Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new video. हेलो हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूँ हॉलीवुड मूवी एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, वो भी चाइना बॉक्स ऑफिस में। मूवी अपने चाइना बॉक्स ऑफिस में धमाकेदार कलेक्शन करी है। अगर बात की जाए मूवी के सेकेंड डे की, तो मूवी ने अपने सेकेंड डे में जो फाइनल कलेक्शन किया है वो 46.81 मिलियन US डॉलर का मूवी ने कलेक्शन किया है। अगर आप इसे भारतीय रुपये में कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में, तो वो होगा 328 करोड़, यानी 328 करोड़ इंडियन रुपीज़ इंटर कर चुकी है। मूवी ने थर्ड डे में अभी तक टिल 11 AM तक का जो कलेक्शन किया है वो 32.61 मिलियन US डॉलर का कलेक्शन किया है। अगर आप इसे भारतीय रुपये यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा 229 करोड़ इंडियन रुपीज़, यानी 229 करोड़ भारतीय रुपये। अब बात करते हैं मूवी का टोटल कलेक्शन की, कि मूवी ने अपने तीन दिनों में टिल 11 AM तक का कितना कलेक्शन कर लिया है। तो मूवी ने अभी तक का जो टोटल कलेक्शन कर लिया है वो 187.20 मिलियन US डॉलर का कलेक्शन कर लिया है अगर आप इसे भारतीय रुपये में यानी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो वो होगा 1,314 करोड़ भारतीय रुपये, यानी 1,314 करोड़ इंडियन रुपीज़। और इस मूवी को जो स्टेटस या वर्डिक्ट मिला है चाइना बॉक्स ऑफिस में, वो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिला है। इस मूवी को अपने थर्ड डे में टिल 11 AM तक का शोज जो मिले हैं वो 219,789 शोज इस मूवी को मिले हैं। और मूवी को जो एडमिशन मिली है, यानी जितने लोग इस मूवी को देखने गए हैं, वो है 42,25,200 पीपल्स ने इस मूवी को देख लिया है। और ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती जा रही है, और इस मूवी को रिव्यूज़ भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में, एवेंजर्स एंड गेम के बारे में चाइना बॉक्स ऑफिस के, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा। आपको इस तरफ चैनल के स्क्रीन पर इस तरफ चैनल का आइकन नज़र आ रहा होगा, आप उसे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।